नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस के बारे में, यानी कि जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, यानी कि रात के समय उनको यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, पेशाब कंट्रोल नहीं होता है और बिस्तर जो है वो गीला कर देते हैं, बिस्तर में ही सुसु कर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में उस दवाइयों को आपको कैसे सेवन करना है, कितने पोटेंसी में, कितने दिन के लिए, कितने दिन के बाद इस मेडिसिन को रिपीट करना है और कौन से कंडीशन में कौन सा मेडिसिन देना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस क्या होता है। जो बच्चे जो 5 साल के ऊपर होते हैं, कभी कभी तो 3 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं वो उस ट्रेनिंग को जल्दी पकड़ लेते हैं और बिस्तर गीला नहीं करते हैं। अगर आप सोने से पहले बच्चों को सुसु करके लाते हैं तो वो बिस्तर गीला नहीं करते हैं, ये 3 साल के बाद हो सकता है या फिर किसी किसी बच्चों में 5 या 6 साल तक भी हम पकड़ के चलते हैं। अगर 6 साल के बाद भी अगर बच्चा बिस्तर गीला करता है तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस। तो उस नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस को ठीक करने के लिए या फिर रात को बिस्तर गीला करने की जो भी परेशानियां है उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में ऐसी कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो बच्चे नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं तो उस रीजन के साथ साथ कौन सा मेडिसिन आपको देना है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी बच्चे के मन में बहुत ज्यादा डर है, यानी कि जो बच्चा 6 साल के ऊपर है उसको आपने ट्रेनिंग भी दे रखा है लेकिन उस ट्रेनिंग के बावजूद भी सोने से पहले अगर आप बच्चे को सुसु करके लाते, पेशाब करके लाते हैं, फिर भी बच्चा रात को बिस्तर गीला कर देता है तो इसका एक मेन रीजन होता है डर। यानी कि बच्चे के मन में अगर डर रहता है, रात के वक्त वो डरावने सपने देखता है या फिर पेरेंटिंग से उसको डर लगता है, यानी कि उसके घर में ऐसा मौसम है या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर है कि उसको वहां से तनाव मिलता है या फिर डर, पेरेंट्स जो है उस पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं या फिर उसको उसके जो भी इमोशंस होते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको डर लगने लगता है पेरेंट्स से या फिर जो पेरेंट्स डांटते हैं उससे उसको डर लगता है, तो ऐसे डर की सिचुएशन में जो बच्चा रात को डरने के बाद बिस्तर गीला कर देता है तो उसके लिए एक मेडिसिन है जिसका नाम है मेडोरिनम। ये जो मेडोरिनम मेडिसिन है इसको आपको सिंगल डोज में ही देना है, 200 CH पोटेंसी में इस मेडिसिन को देना है मेडोरिनम। इसको आप सिर्फ एक सिंगल डोज ही महीने में एक बार या फिर एक महीने के बाद आप इस मेडिसिन को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन एक महीने में एक ही बार सिंगल डोज इस मेडिसिन का दीजिए मेडोरिनम और चाहे तो इसको दूसरे महीने में रिपीट कर सकते हैं। तो ये मेडोरिनम मेडिसिन बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देता है जिन बच्चों में डर के वजह से नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस की तकलीफ है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे जो है ठंडी के मौसम में नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस के शिकार होते हैं, यानी कि गर्मी का जब मौसम होता है तो बच्चे बिल्कुल भी नाइट वेटिंग नहीं करते हैं, बिस्तर गीला नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडी का मौसम आ जाता है वो बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट यानी कि 12 और 1 बजे से पहले यानी कि सोने के तुरंत 1 घंटे बाद वो अगर बिस्तर गीला करते हैं तो उन लोगों में या फिर उन बच्चों में मेडिसिन देना चाहिए सेपिया, जो 30 CH पोटेंसी में आप दे सकते हैं। ये एक पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन है तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार इस मेडिसिन का सिंगल डोज दे सकते हैं 300 CH पोटेंसी में, फिर उसके बाद हर दूसरे महीने में इसको हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। तो सेपिया 30 CH को हफ्ते में 2 बार दीजिएगा, दूसरे महीने में फिर से इसको रिपीट कीजिए जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। साथ ही में अगर सेकेंड हाफ ऑफ नाइट यानी कि 2 बजे के बाद यानी कि सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अगर बच्चे जो है वो बिस्तर गीला कर देते हैं तो उसमें मेडिसिन आता है क्रियोजोट। ये जो क्रियोजोट मेडिसिन है ये भी 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में आप दे सकते हैं, सिंगल डोज हफ्ते में 2 बार दीजिएगा और फिर से दूसरे महीने में इसको रिपीट कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। तो इस क्रियोजोट मेडिसिन को भी बच्चों में अगर देते हैं जो सेकेंड हाफ में बिस्तर गीला करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
थर्ड रीजन होता है कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उनको हो जाता है, या फिर किसी बच्चे में वर्म इन्फेस्टेशन की तकलीफ है यानी कि पेट में उनके कीड़े जंत जो है वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको यूरिन इन्फेक्शन भी होता है और एनस के यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको खुजली भी रहती है। तो वहाँ पर अगर ऐसे कुछ बेड वेटिंग की समस्या रहती है, 6 साल के बाद भी बच्चा बेड वेटिंग करता है, हालांकि आप उसको सोने से पहले या फिर सोने से पहले बिस्तर पर जाने से पहले पेशाब करके लाते हैं, फिर भी वो बिस्तर गीला कर देता है, तो वहाँ पर एक मेडिसिन आता है वो है इक्विजिटम। नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, लेकिन इसको आपको एलन पोटेंसी में लोअर पोटेंसी में ही देना है और इसका डोज रिपीट नहीं करना है। सिंगल मेडिसिन आप दीजिए महीने में एक बार, दूसरे महीने में इसको सिंगल डोज फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये इक्विजिटम मेडिसिन, ये आप अडल्ट में भी जब नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस होता है, खासकर ऐसी महिलाओं में जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है और जो महिलाएं मेनोपॉजल एज में है, उनमें भी अगर बेड वेटिंग की परेशानियां हो जाती है या फिर अर्ज जो है यानी कि पेशाब को जाने के लिए जो सेंसेशन आता है वो रोक नहीं पाते हैं और उनको बिस्तर में ही यूरिन हो जाता है, तो उन महिलाओं में भी ये इक्विजिटम मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं, लेकिन इसको एलएम पोटेंसी में लोअर पोटेंसीज में ही देना है और रिपीट ज़्यादा नहीं करना है। तो ये जो सारे मेडिसिन है जो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक और फायदेमंद है आपके नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस को रोकने के लिए, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से कंसल्ट करके लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये जो वीडियो है इसके बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस क्या होता है और उसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कौन से कंडीशन में। मेरी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिनको भी नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस की परेशानियाँ हैं उनके लिए वीडियो और मेडिसिन दोनों मददगार रहने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।